गाजर का हलवा बनाने के लिए मैं ऑरेंज कलर की गाजर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास रेड कलर का गाजर हो तो आप वो वाला भी गाजर यूज़ कर सकते हैं। अब हम गाजर के ऊपर वाले हिस्से की कटिंग कर देंगे और नीचे वाले हिस्से की कटिंग कर देंगे। गाजर को अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद हम गाजर को अब इस तरीके से अच्छे से छीलेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको गाजर के हलवे की रेसिपी समझ में आएगी। अगर आप बीच में ही स्किप कर देंगे वीडियो को तो आपको हलवे की रेसिपी समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। अब हम गाजर को किसनी से अच्छी तरह से किस लेंगे, इस तरीके से। गाजर को गाजर के इस बड़े वाले पार्ट से ही किसेंगे, उस छोटे वाले पार्ट से नहीं किसेंगे, क्योंकि हमें गाजर को थोड़ा दरदरा ही रखना है। अगर गाजर छोटे वाले पार्ट से अगर हम गाजर को किसेंगे तो वह पूरा ही माने मिल सा जाएगा, इसलिए हम बड़े वाले पार्ट से ही गाजर को किसेंगे तो वह अच्छे से किस जाएगा। गाजर के हलवे को ज़्यादातर सर्दियों में ही बनाया जाता है, लेकिन आप गाजर के हलवे को कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि वो इतना यमी और टेस्टी होता है। अगर आपके पास गाजर हो तो आप गाजर के हलवे को कभी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप गाजर के हलवे को बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। ये देखिए, मैंने इस तरीके से गाजर को किस लिया है। क्या करेंगे, कढ़ाई में मैं 1.5 चम्मच शुद्ध देसी घी डालूंगी। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में शुद्ध देसी घी 1.5 चम्मच डाल दिया है। अब मैं 2 इलायची का यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने अच्छे से कूट लिया है। इलायची डालने से हमारे हलवे में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब हम किसे हुए गाजर को कढ़ाई में डालेंगे। अब हम गाजर को कढ़ाई में अच्छी तरीके से सेकेंगे। आप गाजर को अच्छी तरीके से सेकें जब तक कि उसमें बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे। इसी तरीके से आप गाजर को बार बार चलाते रहें, लेकिन हमें गाजर को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा ही पकाना है। ये देखिए, गाजर हमारा थोड़ा पक चुका है। अब हम मिल्क ऐड करेंगे। मैं 1/2 kg मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, जब हम गाजर में मिल्क ऐड करते हैं तो गाजर उसमें भी पक जाता है, इसलिए थोड़ा मैंने वहाँ पर सेकते टाइम कहा था कि गाजर को थोड़ा ही पकाएं। ये देखिए, मिल्क अच्छी तरीके से उबल रहा है। समय समय पर इसको अच्छी तरीके से आप चलाते रहें, नहीं तो ये कढ़ाई में लग जाएगा। ये देखिए, 10 मिनट्स में मिल्क को गाजर ने अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया। अब मैं चीनी ऐड कर रही हूँ इस छोटे वाले कप से। चीनी डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से चलाएंगे। ये देखिए, चीनी इसमें मिल चुकी है। अब ये देखिए, इसमें से सीरा निकल रहा है। अब मैं इस वाले अमूल पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। मैं इसमें पूरा अमूल पाउडर डाल रही हूँ, 1 पैकेट छोटा वाला अमूल पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास खोआ ना हो तो आप अमूल पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं अमूल पाउडर का यूज़ कर रही हूँ गाजर के हलवे में, जिससे कि गाजर का हलवा और यमी और टेस्टी बन जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते। ये देखिए, गाजर का हलवा हमारा बन चुका है। ये देखिए, गाजर का हलवा हमारा बन चुका है। ये देखिए, हलवे का कलर कितना अच्छा लग रहा है और देखने में भी बहुत ही यमी और टेस्टी लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।